धन वाहिगुरु साहिब जियो निज कर देख्यो जगत में को काहू को नाही नानक थिर हर भगत है तेहि राखो मन माही निज कर देख्यो जगत में को काहू को नाही नानक थिर हर भगत है तेहि राखो मन माही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मनुख की एयानी मत एक कर्म कर लेंदी है, जेड़ियां चीजा मन में रखनिया सी उनू विसार देंदी है, जेड़ियां चीज़ां विसार देनियां चाहीदियां ने उन्हां नूं लम्मा समा अपने मन विच याद रखदा है, अपनी याद विच वसाई रखदा है। जो कुछ अंदर वसिया है उहदे मुताबक मनुख दा सुभाव बन जांदा है। जिहो जिहा सुभाव होए ओहे जे मनुख दे कर्म हुंदे ने, जिहो जिहा कर्म होवे ओही जी मनुख नूं प्राप्ति हुंदी है। जे इह जी याद दा भांडा साफ करके विच गुरु दे शब्द दा निवास हो जाए फिर इहदा सुभाव भी गुरु शब्द अनुसारी हो जाए, इहदा वर्त विहार भी गुरु अनुसारी हो जाए। पर बंदा ऐसा करदा नहीं। गुरबाणी विच बड़ियां थावां ते सतगुरु ने यह मनुख नूं सलाह दित्ती भी तैनू मन विच रखना की चाहीदा है। बहुत वारी जिक्र कीता है, साहिब दा बचन पढ़दे हो, थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पइयो जिसका सबस आधारो, जे को खावे जे को पहुंचे तिसका कोई उदारो, एहे वस्तु तजी नह जाई नित नित रख उड़ता उड़ता, मतलब है हिरदा अपनी सोच विच रखो। पर मनुख रखता नहीं। जांको आए सोई बिहाजो, हर गुरते मने बसेरा। गुरु की मदद की लोड़ ता है मेरे अंदर एक गुरु शब्द का निवास हो जाए। मैं भुल जावा दुनिया का काम क्रोध, मैं भुल जावा ईरखा करनी, मैं भुल जावा द्वेष रखनी, मेरे अंदर गुरु शब्द का निवास हो जाए। और ये गल चेते रखियो, गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अज बचन बख्शिश किए ने, निज कर देखियो जगत में। आम करके बंदा बहुते तजर्बे जड़े दूजिया के उधारे लेंदा है, अपने नहीं होते उदे। बहुत बारी असी किसी के तजर्बों तो लाभ लेने हैं, पर साहब कहिंदे तजर्बा मैं खुद नहीं करके देखिया, निज कर देखियो, मैं तजर्बा खुद देखिया होया, ये मेरा अपना अनुभव है, किसी का लिया होया नहीं है। को काहू को ना है, मना तेरा सहाय किसी ने नहीं होना। नानक थिर हर भगत है ते रखो मन माहे, उनू मन विच रख जिस रब्बी गुणा ने तेरे जीवन का साथ देना है, बाकी किसी ने नहीं साथ देना। देखो एक छोटी जी उदाहरण दिया,
मान लो मैं किसी पिछे लग के पाप कर लिया, कल मैं अदालत में फस गया, हूँ सज़ा तो मैनू हुई है ना, कि मैं अदालत को लिख के दे सकता भी मेरी कमाई चो मेरी माँ ने भी खाधा सी, मेरे बाप ने भी खाधा सी, मेरे भैन भरावान भी खाधा सी, मेरे धियां पुत्तां भी खाधा सी, ते मेरी 10 साल की सज़ा चो 6 महीने माँ को दे दियो, 6 महीने बाप को दे दियो, 6-6 महीने मेरे धियां पुत्तरां नू दे दियो, ते मैनू बरी कर दियो। ऐसा नहीं होना मना। सतगुरु आखते ने कहिंदे बहु परपंच कर परतन लियावे, सुत दारा पे आन लुटावे। मन मेरे भूले कपट ना कीचे, अंत नबीरा तेरे जी पैली जै, कोई काहू को नहीं। अरे मन तेरो को नहीं, खिंच ले जिन पार, बिरख बसेरो पंख को तैसो ये संसार। अन काए रातड़िया वाट दोही ली राम, पाप कमाम दिया तेरा कोई ना बेली राम। कोई ना बेली कोए तेरा, सदा पछोतावे गुण गोपाल ना जपो रसना, फिर कदो से दे आवे तरवर बिछुने, नै पात जुड़ते गम मग कौन अकेली, बिनवंत नानक बिन नाम हर कै सदा फिरत दुहेली। साहब कहिंदे किते रब्बी गुणा नू अंदर धारण कर लवें, वह तेरी जिंदगी च हर थां ते कम आउंदे ने। तुसीं आम जिंदगी च देखो, कोई चीज़ दुनिया की ला लो, कोई भी ला लो, पर जिन्ने सानू कम गुण आउंदे ने ना, उन्नी होर कोई चीज़ कम नहीं आती। घर भी हर वक्त नहीं बंदा वरतदा, कार भी हर वक्त नहीं बंदा वरतदा, पैसा भी हर वक्त नहीं बंदा वरतदा। कोई चीज़ ला लो दुनिया की, कोई चीज़ जड़ी हर वक्त वरतदा होवे, पर एक गुण है जड़ा हर वक्त वरतदा। मान लो मिठा बोलने का ही कोई गुण है, तो हर वक्त ही वरतदा, हर वक्त ही उन्हें उन्होंने गुण सत्कार दवाना है भी ये मिठा बोलद बई। ईमानदारी एक गुण है, वह जिथे मर्जी लोड़ पवे ईमानदारी ने हर वक्त ही कम आना है, तो ईमानदारी ने उन्हें हर थां ते सत्कार दवाना है भई ये बहुत बंदा वधिया बई। रब्बी गुणा ने हर थां ते कम आना है मना तेरी, पर बंदा फिर भी उन्हें रब्बी गुणा नाल सांझ नहीं पाता। साहब दा एक बचन होर कह की गल अगे तोरा, जा को मुश्किल अत बने, नानक थिर हर भगत है। इन्हें सदीव तेरा साथ देना, इन्हें नहीं छड के जाना। जा को मुश्किल अत बने, टोई कोई ना दे, लागू होए दुश्मना। जेडे नजदीक सानू भी दुश्मन बन गए, लागू होए दुश्मना। साक भी भज खले, रिश्तेदारां ते माण हुंदा उह भी छड जाण। सबो भजै आसरा, दुनिया च कोई निक्का मोटा आसरा भी बंदे नूं नजर आउंदा उह भी चला जाए। चूकै सब असराउ, असराउ दा अर्थ भी आसरा ही है, कोई आसरा कोई रहे ही ना, बाकी सारे मुक जाण। पर साहिब कहिंदे हजे भी इक घर है, हजे भी इक दर है। चूकै सब असराओ, चित आवे उस पार ब्रह्म, लगे ना तत्ती वाह। जे किते रब चेते आ जाए, कहिंदे तत्ती वाह भी नहीं लगन देता। बिचो बिचो बचन कर लगा, जे को होवे दुबला, दुबला मतलब कमजोर, नंग भुख की पीर, नंग भुख जिहदे कोल कुछ भी ना होवे, खाण तक ना होवे, वह दर्द सहिंदा होवे, दमड़ा पल्ले ना पवे, ना को देवे धीर, उन्हूं कोई पैसा तो किसी ने की देना, उन्हूं धीरज बिना कोई दे भी कोई गल नहीं, सजना दिन माड़े चंगे आते ही रहते ने, अज माड़े आए ने कल चंगे आ जाने, कोई इन्ना शब्द बिना कहता होवे। जे को होवे दुबला, नंग भुख की पीर, दमड़ा पल्ले ना पवे, ना को देवे धीर, स्वार्थ स्वाऊ ना को करे, ना कुछ होवे काज,
चित आवे उस पार ब्रह्म त निश्चल हो गए राजा। कहिंदे रब दा चेता आ जाए तेरे सदीवी राज कैम हो जाएगा, तेरे कोल कमी कोई नहीं रहेगी। ओ नानक थिर हर भगत है उनू संग बना। बंदे ने बड़े लोगों नू संगी बनाया, सिख सखा बहुते किए, केसो कियो ना मीट, चाले थे हर मिलन को बीचे अटक्यो चीत। एना सजना मित्रां नू बना के रब नू भुली गया भी उन्हू अपना बनाउणा, जदके काम उसे नहीं आउणा। बाकी सारियां ने जिन्नी नाम सारे आसे होत देखे खे, पुत्र मित्र बिलास बनता टूटते एने, मेरे मन नाम नित नित ले, जलत नाही अगन सागर सूख मन तन दे। बिरख छाया दरख्त दिशा जैसे बिनसत, पवन झूलत में मीन हवा नाल आया हुआ मीह, पवन झूलत में हर भगत दृढ़ मिल साध नानक, तेरे काम आवत इन्हें तेरे काम आना है। चंगे गुणा नु धारण कर संगत बच आके इन्हें तेरे काम आना है। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते मेरा निज का तजर्बा है, मैं सिर्फ भगती को रखी तो मैनू की मिलिया। देखो गुरु नानक साहब के पुत्रां नू गद्दी ना मिली, उन्होंने रौला पाया। गुरु अंगद साहब के पुत्रां नू गद्दी ना मिली, रौला पाया। गद्दियां तक ला लिया पर मिलिया कुछ नहीं, खाली रह गए। दूजे पासे गुरु तेग बहादुर साहब नू गुरगद्दी ना मिली, पर उहदे भतीजे नू गद्दी मिल गई। उन्हां दा भतीजा लगता है सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपने पोतरे गुरु हर राय साहब जी नू गद्दी देती। गुरु तेग बहादुर साहब नू गुरगद्दी नहीं मिली, वो चाचे लगते ने। भतीजे नू गद्दी मिल गई, उम्र चो भी छोटे ने, पर कोई इतराज नहीं किया, भगती नू रख लिया हिरदे च। एक दिन वक्त आया गुरगद्दी चल के आप आ गई। नानक थिर हर भगत है, इनू भगती नू दिल विच रख के देख, अपने मन च रख के देख। फिर जदो गुरगद्दी मिली उदो तुसी देखो 22 मंजियां लग गई। हुण उन्हां कोल पखंड है, गुरु तेग बहादुर साहब कोल भगती है। मैं एक बारी श्लोक तुहाडे ख्याल विच फिर रखा। निज घर देखियो जगत मैं, को काहूं को नाही, मना तेरे औगणा ने, तेरिया चलाकियां ने, तेरिया सियाणपा ने किते कम नहीं आना। जे किते तू रब्बी गुण धारण कर लवे, ऐ साख संबंधी परिवार सब स्वार्थ ते बन्ने ने। जे किते रब्बी भगती नू अपने मन विच रख लवे, तेरे हर थां ते कम आना। जदों गुरगद्दी मिली 22 मंजियां लग गईआं, किन्ना कूड़ दा पसारा हो गया। उन्हां कोल मसंद ने, उन्हां कोल प्रचार करन वाले ने, पर 22 मंजियां ही भज गईआं। गुरु तेग बहादुर साहब कोल भगती है, कोठे च चढ़ चढ़ के रौला पाउण लग गए, गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे। मना तेनू क्यों नहीं यकीन आउंदा भी कम ते तेरे भगती दी आउणा है। कल्ले गुरु तेग बहादुर साहब की भगती 22 मंजियां नू उखाड़ के भजा दिंदी है, इन्नी ताकत उहदे विच। नानक थिर हर भगत है, 22 मंजियां भज गई नहीं रुक सकियां। फिर इत्थे ही बस नहीं, आनंदपुर साहब वसाया, उत्थे भी माखो वाल ना दे किसी भैड़ी वृत्ति वाले मनुख का, उस बंदियां का उत्थे प्रभाव है। पर गुरु तेग बहादुर साहब की भगती ने उठे हो जी मैली वृत्ती वाले सारे भजा दते, ते एक बिना खलोता, ते अज भी आनंदपुर साहब की धरती संसार नू आनंद वंड रही है। नानक थिर हर भगत है, किते रब्बी गुणा नू धारण कर लवे, उहदे मुकाबले च है ही कोई नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब का ही एक बचन कहन लगा,
राम नाम उर मैं गयो, जंक है सम नहीं कोई। मैं तो गिरदे च रब दे नाम नू रखे है, ते उदे बराबर ही कोई नहीं, उदे बराबरता ही करन वाला कोई नहीं, तां करके मेरे सामने कोई खलोंदा ही नहीं है, किसी दी ताकत ही नहीं है। गुरदेव ने कैसे प्यारे बचन बख्शिश कीते ने, किते मनुख मन जाए इन्हां बचन। वो कहने मैं तेरे अपना निजी तजर्बा, मेरी जिंदगी का निजी तजर्बा देख लै, मेरे को भगती सी, दूजे लोग वो किन्ने देवी देवतियां नूं मनन वाले सन, जदों औरंगजेब उन्हां दे जनेऊ लाउण लगा, जदों मत्थे दे टिक्के मिटाउण लगा, जदों मंदर ढाउण लगा, जदों उन्हां दे धार्मिक स्थानां नूं खत्म करन लगा, उन्हां दे देवी देवतियां च कोई ना खड़िया, एक भी नहीं है। पूजन वाले किन्ने ने, पर चल के आ गए गुरु तेग बहादुर साहब नूं कहण लगे, जिहड़ी तेरे कोल भगती है ना, उहदे च तां ताकत है भी औरंगजेब दी बांह पकड़ लवे, पर साडे कोल नहीं। कबीर साहब दा बचन याद कर लईए, नावन को तीर्थ घने मन बौरा रे, पूजन को बहु देव कहो कबीर, छूटन नहीं मन बौरा रे, छूटन हर की सेव, आशा की वार रोज दुहाइयां पाके कहिंदी है, छोड़ी ले पखंडा नाम लए जाहे तरंदा, उत कुचे रब दी भगती नूं जीवन दा अंग बना लवे। चांदनी चौंक कहिंदा है, चांदनी चौंक दुहाइयां पाके कहिंदा है, ओ लोक कहिंदे सन शिवजी बहुत वड्डा है, ओ लोक कहिंदे सन ब्रह्मा बहुत वड्डा है, ओ लोक कहिंदे सन देवी देवते बहुत वड्डे ने, ओ लोक कहिंदे सन इंद्र बहुत वड्डा है, राज करदा है, पर चांदनी चौक नू पुछ के देख कि जनेऊ नू बचाउण वास्ते शिवजी आया सी, कि जनेऊ नू बचाउण वास्ते कोई ब्रह्मा जी आया सी, कि जनेऊ नू बचाउण वास्ते कोई आया सी। चांदनी चौक दुहाइयां पा के कहिंदा, इत्थे गुरु तेग बहादुर साहिब आया सी ने, जिने जनेऊ बचाया सी। निज कर देखियो जगत में को कहूं को नाहे, कोई कम नहीं आया, नानक थिर हर भगत है, रब्बी गुण जने ने, रब दी भगती जड़ी है वो तेरे काम आनी है। मना गुरु तेग बहादुर साहिब जी आखते ने, कहने वेख मेरे वल, इन श्लोकां दी विचार बहुत ध्यान नाल करन दी लोड़ पैंदी है। एक ख्याल मैं होर देख के फिर समाप्ति वाले पास में जाइए, बड़ी तवज्जो दे के सुने। रब जाने सिख क्यों नहीं सुचेत हुंदा, जो कुल इहदे कोल है ना, बदकिस्मती लोग लोहा भी सोने दे भाव वेच गए, इहदा सोना भी लोहे दे भाव नाल विक सकिया, इहदा सोना है पर ये लोहे दे भावे ना बेच सकिया, लोका लोहा ही सोने दे भावे च लिया, किड्डा महान विरसा इहदे कोल, पर दस ही नहीं पाया। मैं उदाहरण देण लगा सां, एक लम्मी लिस्ट है धर्मी लोकां दी, जदों उहनां नूं प्रीख्या देनी पई, एग्जाम देना पिया, अपनी सच्चाई का सबूत देना पिया, तद उदे नाल रहन वाले, उनू समझन वाले, उनू बिल्कुल मनन वाले, उना लोकां ते भी थोड़ी बहुती सख्ती हुई। एक लम्मा इतिहास है, वो पीर पैगंबर तां अपनियां गवाहियां दे गए, पर नाल रहन वाले मनुख रो गए। हज़रत ईसा दुनिया भर च मशहूर है, भाई केवल 30 दमड़िया पिछे उहदे नाल दा नज़दीकी चेला हज़रत ईसा मसीह नूं पकड़ा देता है साडे सामने। सुकरात ने जहर दा प्याला पीता, आखरी वेले उहदे भी मुरीद उहदे नाल ना निभ सके।
मनसूर दा अत दा नज़दीकी बहुत नेड़े दा उनु समझन वाला निक्की निक्की गल नू उदा दोस्त है शिबली वह भी आखिरी वेले लोग पत्थर मारते ने और देखन लगे लोग मेरे वल देखते ने भी ये भी कुछ मारद मैं भी कुछ ना कुछ बगा के मारा उन्हें फुल बगा के मारिया पर जब फुल बजिया मनसूर तह मार के रोकिया कारी फुल ने जा डाड़ी टोट चोट मारी तह मार मनसूर यूं कहन लगा पत्थर दो चार तो भी मार लें दो अरशी किंगरा कदों सी कहन लगा वो इन्हों पत्थरों का दुख तो कुछ भी नहीं मैं तो सूलियां के दुखड़े सहन लगा इन्हों पत्थरों के दाग लथ जाने पर तेरे फुल का दाग नहीं हो रहन लगा तू नज़दीकी होके तू मेरे आखिरी वेले साथ छड़ गया। सरमद फकीर उन्होंने औरंगजेब ने कतल किया जदों आखिरी वक्त कतल कर लगे उदे नाल दे चेले छड़ के कहिंदे असीं इहनूं जाणदे भी नहीं किन्नी लंबी लिस्ट है पर गुरु तेग बहादुर साहब नाल तीन गए भाई मती दास भाई सती दास भाई दयाला जी ते तिने दे तिने शहादत दा जाम पी जाण उन्हां चों एक भी मनुकर ना होया होवे पर फिर भी गुरु तेग बहादुर साहब ए बचन कहण निज कर देखियो जगत मैं को काहूं को नाही नानक थिर हर भगत है ते राखो मन माहे इहनू दुनिया भी रिश्ते नाल ना जोड़िए बहुता इहदा अर्थ है दुनिया विच तेरे नाल जाण वाले तां तेरा साथ निभागे गुरु तेग बहादुर साहब जी फिर तुसी क्यों कहिंदे हो वी कोई काहूं को काहूं को नाहे वो कहिंदे जिन्ने विकार तों चुकी फिरना जिन्हां गल्लां नूं तों चुकी फिरना इहनां चों किसे ने तेरे कम नहीं आउणा रब दे मिलाप विच रब्बी मिलाप विच केवल ते केवल नानक थिर हर भगत है उहने तेरे कम आउणा है। मेरे कोल भगती ही सी मेरे कोल रब्बी गुण ही सन अज तक मंदरां दे बूहे खुले ने ना सजना उस भगती दे कारण है अज तक लोकां दे गला च जनेऊ ने ना ते भगती दे कारण है अज तक लोकां दे मथियां ते टिक्के ने ना ते भगती दे कारण है। वेख मेरे कोल भगती की सी जिहड़ी मैं अपने पुत नूं दे के गया लोग सोचदे सन गुरु गोबिंद सिंह नूं उजाड़ दिता उहदा सरबंस बार दिता पर उहदे कोल भगती सी लोग अज भी कहिंदे ने गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह छाए जाती एकता अनेकता बुलाए जाती होवती कुचील तक तेबन कुरान की पाप पर पक जाते धर्म तसक जाते वर्ण गर्क जाते सहित विधान की देवी देव द्योहरे संतोख सिंह दूर होते रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की पावन पवित्र सूर केंदे जे किते मूर्त न होती जो पै करुणा निदान की पावन पवित्र सूर गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जे किते टूण ना हुंदा अज मंदरां च लोग अल्लाहु अकबर दियां आवाज़ां लाउंदे अज किसे दे मत्थे ते तिलक ना हुंदा लोकां दियां सुनता हुंदियां अज वेद पुराण कोई ना खोल के वेख सकदा केवल ते केवल कुरान मजीद प्रकाश हुंदी लोकां दे घरां च नानक थिर हर भगत है मन तेन फिर भी इतबार नहीं आता भी रब्बी गुण एडिया एडिया मुसीबतों के बच्चों भी लंघ के तेरी झोली सच पा देंगे ने। गुरु तेग बहादुर साहब जी का अपना अनुभव है निज कर देखियो जगत में को काहू को नाहे नानक थिर हर भगत है ते रख मन माहे उनू मन में रख अरदास करिए सतगुरु विसर नाही दातार अपना नाम देहो गुण गावा दिन रात नानक चौ देहो भुला दी खिमा प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।